ना कार्तिक ना विजय ना पंत, यदि अब इस खिलाड़ी को नहीं मिला मौका तो करियर का संभव है अंत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई 5 वनडे मैचों की सीरीज को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की कई कमियां और कमजोरी सामने आई है, क्योंकि भारत अपने घरेलू सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 के साथ 5 वनडे मैचों की श्रृंखला भी गवा चुका है और कुछ ही समय में विश्व कप 2019 के मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम में विजय शंकर, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को काफी मौके दिए गए हैं और टीम के इन खिलाड़ियों को कोई जगह पर खिलाया गया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी पूरी तरह से सफल साबित नहीं हुआ। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में भारतीय बल्लेबाजी क्रम के साथ विकेट कीपिंग भी बेहद निराशाजनक रही। वर्ल्ड कप 2019 बेहद नजदीक है और भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए भारत के विश्व कप की तैयारियों पर सवाल या निशान है। पिछले विश्व कप के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2007 और 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तहलका मचाने वाले युवराज सिंह आज भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। वहीं युवराज सिंह मौजूदा समय में लगभग 37 साल के हो चुके हैं और अब विश्व कप में यदि भारतीय टीम में युवी को खेलने का मौका नहीं मिलता तो यह भी कहा जा सकता है कि युवराज सिंह के लिए लगभग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों की पोल खुली है, उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि IPL से युवराज और रैना, इन दोनों की वापसी विश्व कप में संभव है। वहीं यह भी लगभग स्पष्ट है कि यदि इस बार विश्व कप 2019 का हिस्सा युवराज सिंह नहीं बने तो युवी के लिए अंतरराष्ट्रीय करियर का लगभग अंत ही होगा। दोस्तों, क्या युवराज सिंह और सुरेश रैना वर्ल्ड कप टीम में शामिल होंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।